हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस मंत्रा। आज हम लोगों का मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारे मैनेजमेंट के कोर्स को पढ़ने के दरमियान हमें किन पूरे सिलेबस को जो पढ़ना है हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए आज से हम लोग अपने मेन कोर्स की शुरुआत करते हैं। तो जो मैनेजमेंट के चैप्टर में जो सबसे पहला चीज़ हम लोगों को जानना है वो जानना है एक्चुअली बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं और बिजनेस के अंतर्गत किस किस तरह के सेक्टर्स या हम लोग किन किन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या है अंजाम देते हैं। ये जो बिजनेस है ये एक्चुअली ये बिजनेस क्या ना, अगर आप लोग इसे समझेंगे ये दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग वर्ड है। फैसिनेटिंग वर्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, सबसे आश्चर्यजनक वर्ड इसे आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं हम लोग उसे क्या है इस बिजनेस के अंतर्गत रख सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग इसे रखते भी हैं। जैसे अगर हम लोग अपने दैनिक दिनचर्या से ही हम लोग इसको मैच करें, जैसे सुबह से दिनचर्या को जैसे हम लोग डिस्कस करें, जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है पहले चाय को पीते हैं। तो इस चाय को बनाने के लिए क्या है, हमें दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं से, अगर हमारे घरों में ये चीज़ अगर उत्पन्न नहीं होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से इसे खरीद के लाने हैं। जैसे चाय पत्ती क्या है, आप किराने की दुकान या फिर किसी चाय पत्ती के शॉप से लाएंगे। तो जहाँ से हम लोग खरीद के लाएंगे तो वो तो जो आदमी है, वो जो बंदा है, वो क्या, वो तो बिजनेस कर रहा है ना, वो बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है। तो हम लोग उसको खरीद के लाएंगे। फिर दूध, पटना वगैरह जैसे शहरों में क्या है, हम लोग सुधा का दूध हम लोग सुधा के काउंटर से यूज़ करते हैं, सुधा के काउंटर से खरीद के लाते हैं, तो वो भी वहाँ पे एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी है। चीनी को भी हम लोग किराने की दुकान से खरीद के लाएंगे, ये भी बिजनेस एक्टिविटी है। फिर जो हम लोग खाना खाएंगे तो उसमें क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी तेल वगैरह भी क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से खरीद के ला रहे हैं। जो कपड़े हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, तो हम लोग कपड़े की दुकान रेडीमेड शॉप या किसी मॉल वगैरह से खरीद के ला रहे हैं, है ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे दैनिक जिंदगी में या हमारे जो दिनचर्या में जो एक एक चीज़ शामिल हैं वो किसी न किसी रूप में वो किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हुए। तो इसलिए बिजनेस के बारे में अच्छे से जानना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या है, बिजनेस के प्रति सिर्फ मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन ही उनके पास भरा हुआ होता है कि बिजनेस सिर्फ हम लोग गलत पर्पज से करते हैं, बिजनेस गलत आदमी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जो भी इन्वेंशन हुए हैं, एक लाइन आप लोगों ने सुना होगा ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ये जो बिजनेसमैन लोग हैं ये बड़े बड़े समस्या को भी सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी जिंदगी को देखें, जैसे आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसके लिए किस किन 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 चीज़ों की ज़रूरत है, एक अच्छे स्मार्टफोन की ज़रूरत है और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की। और मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो मुझे एक अच्छे वीडियो रिकॉर्डर, एक अच्छा कैमरा या एक अच्छा फ़ोन वाला कैमरा, साथ ही साथ इस ब्लैकबोर्ड से लेके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, हर कुछ चाहिए। और इन हर चीज़ों के पीछे, जैसे एक अच्छा मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए अच्छी कंपनियाँ हैं, तो वहाँ कोई ना कोई एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है, जिसकी ये हमेशा ही कोशिश होती है कि हम कम से कम दाम में एक अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन को बनाएं। तो ये उसके बिजनेस का टारगेट है। एक अच्छा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कोशिश करता है कि हम एक अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट देंगे तभी तो कस्टमर मेरे पास आएंगे, मेरा सर्विस लेंगे, है ना। तो इन दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन हो रहे हैं, जितनी भी नई चीज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक अच्छे बिजनेसमैन का हाथ है। वही रिसर्च करता है या वो लोग अच्छे साइंटिस्ट को हायर करते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं और अच्छे प्रोडक्ट का एक्चुअली क्या है डेवलपमेंट करते हैं, फिर वो बेचते हैं और बेचने के बाद वो कुछ प्रॉफिट कमाते हैं और हमें अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो ये प्रॉफिट जो कमाना है एक्चुअली, ये जो प्रॉफिट जो कमाते हैं और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो लोग जो एफर्ट लगाते हैं, वो लोग जो रिसर्च करते हैं या वो लोग जो मेहनत करते हैं, ये सारे के सारे एक्टिविटी क्या है, बिजनेस के अंतर्गत में ही तो आते हैं। हम लोग अपने आसपास जितनी भी तरह की दुकानों को देखेंगे, किराना दुकान हो गया या सब्जी दुकान हो गया, तो आदमी लोग क्या है अपने दैनिक जिंदगी को चलाने के लिए, है ना, अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए वो लोग बिजनेस करते हैं। किराना दुकान वाले क्या है, कहीं से सामान को लाएंगे, अपने कस्टमर को बेच देंगे। जैसे 100 रुपये में वो मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लाएंगे और 120 रुपये में बेच देते हैं, तो बीच का जो 20 रुपया क्या हुआ, उनको प्रॉफिट हो गया।
तो वो प्रॉफिट कमा रहे हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, या वो कुछ पैसे को सेव करेंगे ताकि वो अपनी बुढ़ापे की जिंदगी या बाकी की जो लाइफ है या अपने बच्चे वगैरह को पढ़ाएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे से चलाएंगे। तो सब्जी करने बेचने वालों का भी यही टारगेट होता है। तो बात यही उठता है कि आदमी बिजनेस करता क्यों है। तो आदमी क्या बिजनेस करने के पीछे मेनली दो रीजन है, मतलब जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है या जो रिसर्चर वगैरह बहुतों से बात करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि बिजनेस आदमी या तो करता है अपने दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने दैनिक जिंदगी को चलाने के लिए, क्योंकि डेली खाने पीने के लिए, खाने पीने की वस्तुओं को खरीदने के लिए, कपड़े को खरीदने के लिए या दैनिक जिंदगी को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो उन्हें खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, तो उन पैसों को कमाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। जैसे अमेज़न वगैरह आप लोग सुनते होंगे, जो जेफ बेजोस है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, या भारत में मुकेश अंबानी सबसे अमीर आदमी है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को इन्होंने खड़ा किया। अब इनका जो मतलब अब जो इनका फोकस है, अब जो इनका ध्यान है, मतलब अपने दिनचर्या के लिए कमाई करने का नहीं है, इनका जो टारगेट होता है बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस खड़ा करें, बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी दें और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं। तो जिससे क्या है कि जो आम जनता है उसको भी ये लोग कम कीमत पे और ज़्यादा सर्विस दे पाएं। तो यही है बिजनेस का मेन टारगेट। और बिजनेस फिर आदमी करते कैसे हैं, तो बिजनेस आदमी एक्चुअली क्या है, बिजनेस करने का मतलब है आदमी दो तीन तरीके से अपना काम करते हैं। पहला, या तो जो लोग हैं वो कुछ चीज़ों को बनाते हैं, जैसे क्या है, कोई स्टील बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, है ना, या कोई खेतों में सब्जी उगा रहा है, वो भी एक तरह के बिजनेस के अंतर्गत ही है। मतलब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना, कोई गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक का जो भी सामान आप लोग देखिए, या कोई मोबाइल फ़ोन को बना रहा है, तो ये आता है मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। दूसरा है सर्विस। सर्विस मतलब क्या है, हम लोग कहीं पर सर्विस दे रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास गए कि हमारी तबीयत खराब हो गई, आप हमें देख दो, तो वो हमें देखने के बदले क्या है, कुछ पैसे चार्ज करता है, तो ये एक तरह का सर्विस हो गया, स्पेशलाइज्ड सर्विस। या हम लोग किसी लॉयर के पास जाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे केस में हमें प्रॉब्लम हो गई है, आप हमें इसका समाधान दो, या हमें आप कोर्ट के केस हमारा ख़त्म करवा दो, तो वो वकील कुछ पैसा चार्ज करेगा। या घर में हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, या फिर हम लोग क्या प्लम्बर वाले को बुलाते हैं घर में नल वगैरह पानी वगैरह के सिस्टम के लिए, तो ये लोग हमें सर्विस देते हैं, अपना अपना स्किल के यूज़ करके हमारी समस्याओं को कम करते हैं और हम लोग बदले में उन्हें उनके बदले भुगतान करते हैं। ये सर्विस के अंतर्गत आता है। तो एक हो गया क्या है मैन्युफैक्चरिंग, एक हो गया सर्विस, और एक हो जाता है ट्रेडिंग। जैसे जो किराने वाले दुकान है, जो कपड़े वाले दुकान है, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से, मतलब जो सामान को बनाते हैं वो उनसे सामान को खरीद के लाते हैं, जैसे 100 रुपये में खरीद के लाए और अपने कस्टमर्स को कुछ ज़्यादा दाम पे बेच देते हैं, 120 रुपये में उन्होंने बेच दिया अपने कस्टमर को, तो बीच का जो पैसा है वो उनका प्रॉफिट हो गया। तो इसे बोलते हैं ट्रेडिंग, कि कहीं से खरीद के लाओ और किसी को बेच दो, बाइंग एंड सेलिंग, ये होता है ट्रेडिंग का काम। तो यही एक्चुअली क्या है, बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत में आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बिजनेस के डेफिनेशंस को देखते हैं। अगर इस एग्जाम में अगर बिजनेस का डेफिनेशन आ गया, बिजनेस का, तो आप लोग उसे कैसे लिखेंगे। तो जो मैंने लिखा, जो मैंने एक्चुअली डिस्कस किया, वही यहां पे मैंने लिखा है, बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ। बिजनेस क्या है, एक तरह का एक्टिविटी है, एक तरह का क्रियाकलाप है बिजनेस। तो ये किस तरह का क्रियाकलाप है, ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी। तो बिजनेस क्या है, एक तरह का एक्टिविटी है, या हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस क्या है, एक तरह का क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत मेकिंग वंस लिविंग, आदमी लोग जो क्या है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, लिविंग मतलब क्या है, अपने दैनिक जिंदगी को चलाने के लिए, डे टू डे लाइफ को जीने के लिए, पर डे दूध दही सब्जी फल आटा चावल खरीदने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोग क्या है, बिजनेस को करते हैं, है ना। ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और अथवा मेकिंग मनी, या फिर बहुत ज्यादा पैसे को कमाने के लिए लोग क्या है, बिजनेस को करते हैं। तो बिजनेस एक तरह का क्या है, दिनचर्या है, मतलब बिजनेस एक तरह का क्या है, क्रियाकलाप है, या एक तरह का एक्टिविटी है। तो किस लिए ये एक्टिविटी है, तो अपने दैनिक जिंदगी को चलाने के लिए अथवा पैसे को कमाने के लिए। तो बिजनेस एक तरह का एक्टिविटी है, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। तो अपने दिनचर्या को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसमें ये करते हैं, बाय
प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, या तो किसी चीजों को हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीजों का हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स, हम लोग क्या है खरीद के खरीदेंगे और बेचेंगे। तो यही काम एक्चुअली क्या है बिजनेस के अंतर्गत आता है। तो सिंपल से लाइन में यह समझिए, बिजनेस क्या है, एक तरह का एक्टिविटी है, एक तरह का क्रियाकलाप है, जो हम लोग क्यों करते हैं, तो हम लोग इसको इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपनी दैनिक जिंदगी को चलाएं या फिर हम लोग पैसे कमाएं। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम लोग करेंगे बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहां पे प्रोडक्ट्स को बनाएंगे या फिर उनको खरीदेंगे और बेच के हम लोग वहां पे पैसे कमाएंगे। तो यहां पे यही चीज आ रहा है, सच एज गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हम लोग जो बाइंग एंड सेलिंग जो करेंगे, हम लोग किसका किसका करेंगे, या तो गुड्स का करेंगे या तो सर्विसेज का, मतलब हम लोग या तो वस्तुओं को खरीदेंगे बेचेंगे, जैसे बिस्किट हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, या फिर जो सर्विसेज है हमारा, जो हम लोग सेवाएं लेते हैं, डॉक्टर की सेवा, वकील का सेवा, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन का सेवा जो हम लोग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि बिजनेस का डेफिनेशन आप लोग मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये एक तरह का क्रियाकलाप है जिसमें हम लोग क्या है चीजों को या तो हम लोग बनाते हैं या फिर हम लोग उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, यही अपना बिजनेस है। उसके बाद है एक्चुअली बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, या बिजनेस जब हम लोग करते हैं तो हमें किन किन चीजों की प्राप्ति होती है ना। तो वही एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या है। तो जो सबसे पहला हमारा होता है, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस करने के पीछे हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं, हम लोग लाभ कमाएं। अगर लाभ ही नहीं कमाएंगे तो वो बिजनेस तो नहीं होगा ना, तो वो तो हो गया सोशल सर्विस कि हम लोग समाज सेवा के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारा प्रॉफिट कमाना टारगेट नहीं होता है। बट जहां भी बिजनेस वर्ल्ड आएगा तो हमारा टारगेट होता है कि हम लोग वहां पे लाभ कमाएंगे, क्योंकि लाभ कमाएंगे तभी तो हम लोग अपनी दैनिक जिंदगी को चला पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल, 100 रुपए हमारे पास हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस करें, तो हम लोग कहीं से क्या करेंगे, 100 रुपए के सामान खरीद के लाएंगे और उसको 120 रुपए में बेच दिए, तो ये जो 20 रुपए हमारा लाभ है यही तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना। अगर हम लोग जैसे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, 100 रुपए में लाएंगे, 100 रुपए में बेच देंगे, तो हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, फिर हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे, हम लोग अपने दैनिक जिंदगी को कैसे चलाएंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ पाएगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना ही हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बिजनेस में। फिर दूसरा, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, सेल्स एंड एक्सचेंज करते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं बेचते हैं, या फिर क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, या तो अदला बदली करते हैं, या तो बेचते हैं या तो अदला बदली करते हैं। तो किसका करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं का और सेवाओं का। सेल करना मतलब तो समझ रहे हैं, हम लोग कोई भी सामान लाएंगे अपनी दुकानों में बेच दिए तो वो हो जाता है सेल्स। और एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है अदला बदली। जैसे किराना दुकान है हम लोगों का, मान लीजिए हम लोग किसानों से क्या है, जैसे हम लोग डायरेक्ट कोई अनाज को हम लोग ले आए बेचने के लिए, हम लोग अनाज को बेच रहे हैं, और अगर उन अनाजों का उपयोग करके कोई बिजनेस अगर कुछ बनाना चाहता है, जैसे कोई अनाज का उपयोग करके क्या है बिस्किट बनाना चाहता है, ब्रेड बनाना चाहता है, भुजिया बनाना चाहता है, या खाने पीने की अन्य वस्तुओं को बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, हमसे अनाज को ले जाएगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो तैयार किया हुआ माल है, वो हमें दे जाएगा और बीच में हमें कुछ प्रॉफिट होगा, तो उसी को बोलते हैं एक्सचेंज। या फिर हम लोग किसी कंपनी को जैसे एक तरह का सर्विस देंगे और बदले में उसी कंपनी से हम लोग दूसरे तरीके का सर्विस लेंगे, तो इसी को बोलते हैं अदला बदली वाला काम। तो हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, या तो हम लोग बेचते हैं या तो अदला बदली करते हैं, तो किनका, वस्तुओं का और सेवाओं का। फिर अगला है, इट क्रिएट्स लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जहां भी बिजनेस खड़ा होता है या जहां पे भी हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वहां पे क्या है, नौकरियों के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, नौकरियों के अवसर उपलब्ध होते हैं। जहां पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगते हैं, है ना, जहां पे उत्पादन की बड़ी बड़ी इकाइयां लगती हैं, जैसे स्टील प्लांट अगर कहीं पे लगा तो वहां पे क्या है ना, हजारों आदमियों को रोजगार मिलता है। अगर कहीं पे पावर प्लांट लगेगा तो वहां भी हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। जैसे अगर तेल का रिफाइनरी जो हम लोग बैठाते हैं, वहां भी हजारों आदमियों को रोजगार मिलता है। या फिर गाड़ियों बनाने का जो कारखाना है, या फिर जो जो भी बिस्किट ब्रेड वगैरह बने, हर जगह तो एक
आदमी की जरूरत पड़ती है, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो नौकरियों के अवसर और बढ़ते चले जाएंगे। तो बिजनेस करने का ये फायदा होता है, जैसे आप अगर आप एक अच्छे किराना दुकान को ही देखेंगे तो वहां पे 4 से 5 आदमी को नौकरी मिल जाता है। तो जहां पे भी बिजनेस करेगा, जहां पे भी बिजनेस होगा और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो नौकरी के अवसर तो उपलब्ध होंगे, वक्त के साथ नौकरी के अवसर बढ़ते चले जाते हैं। और ये इंडिया में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बिजनेस को प्रमोट करें, बिजनेस को बढ़ावा दें, क्योंकि इंडिया में क्या है, जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो युवा वर्ग के लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो यूथ पॉपुलेशन है क्या है, वो इंडिया में है, करीब 30 से 35-40 करोड़। और इतने लार्ज पॉपुलेशन को नौकरी देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम लोग अपने यहाँ क्या है, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बढ़ावा देंगे, तभी जाके लार्ज स्केल में हमारे युवाओं को नौकरी मिल पाएगा। इसीलिए सरकार क्या है आजकल क्या है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप्स का हिंदी होता है नया उद्यम, नया उद्योग। तो नया उद्योग भी एक्चुअली क्या है, वो तो बिजनेस के अंतर्गत में ही आता है ना। तो जितनी भी स्टार्टअप्स को हम लोग अपने दैनिक जिंदगी में यूज करते हैं, फोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, तो ये सब जो नई कंपनियां हैं, जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये लोग क्या है, लाखों आदमी को रोजगार दे रही हैं। तो सरकार इनको प्रमोट भी कर रही है, क्योंकि सभी को रोजगार देना है तो देश में ज्यादा बिजनेस होना चाहिए, ज्यादा बिजनेस होगा तो नौकरी के ज्यादा चांसेस उपलब्ध होंगे। तो मैं समझ सक रहा हूं कि बिजनेस के इंपॉर्टेंस को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए इतना जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। इसी में हमारा अगला पॉइंट है, बिजनेस एक्टिविटी इज कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये जो हमारा जो बिजनेस एक्टिविटी है ये किससे कनेक्टेड है, या फिर हमारे जो औद्योगिक कार्यकलाप है या जो औद्योगिक क्रियाकलाप है ये किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन से, वस्तुओं और सेवाओं के मैन्युफैक्चरिंग से, उनके उत्पन्न करने से ये निर्माण, मतलब ये संबंधित होते हैं। मतलब दूसरे अगर वर्ड में हम लोग बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रियाकलाप है या जो बिजनेस एक्टिविटी है वो वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण से संबंधित है। हम लोग इसे दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या एक तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी तो बोलते हैं ना, औद्योगिक क्रियाकलाप, है ना। तो बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत हमारा क्या है, औद्योगिक क्रियाकलाप आता है। औद्योगिक क्रियाकलाप में मेनली हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और बिजनेस में क्या है, उनका सेलिंग, उनका सर्विस। जो जैसे मोबाइल फोन हम लोगों ने लिया, तो जब मोबाइल फोन हमारा खराब होता है तो हम लोग सर्विस सेंटर में जाते हैं ना रिपेयर करने के लिए, तो जो सबसे पहला काम होता है हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग उसको प्रोडक्शन किए, उनका मैन्युफैक्चरिंग किए, ये एक तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और जब हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गया, हम लोगों ने सामान को बेच दिया, तो उसके बाद जो हमारा सर्विस वाला धंधा आता है, सर्विस वाला जो पोर्शन होता है वो बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत टोटल आता है, वो ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी है। तो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत में आता है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज की, वस्तुओं का या सेवाओं का प्रोडक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अगर आप लोग समझेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया और जानते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि यूथ का पॉपुलेशन, युवाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या है, यहाँ बिजनेस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी को क्या है, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जितने भी बड़े शहर हैं,
है ना, हमारे आसपास जितने भी बड़े शहर हैं, हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पटना में है ना, जो पटना में जो पॉलिटेक्निक 13 है पाटलिपुत्रा में, वहां पे हमारा क्या है, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, या पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया को क्या औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं हिंदी में। और साथ ही साथ पटना के बगल में क्या है, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण क्यों करते हैं, या हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ती है कि हम लोग एक बहुत बड़े एक एरिया को, या भूमि के एक बहुत बड़े एरिया को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह के उद्योग को चलने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है, जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, हम लोग वहाँ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग वहाँ पे उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए क्या है, बड़े और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या है, इनका व्यवस्था प्रॉपर करके रखते हैं। साथ ही साथ जिस भी तरह के रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, हम लोग वहाँ पे उसको व्यवस्था करते हैं। तो आप लोग ध्यान देते होंगे कि जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहाँ पे आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की हम लोग वहाँ पे अरेंजमेंट करके रखते हैं, ताकि इंडस्ट्री में जो स्किल्ड इंजीनियर्स या स्किल्ड लेबर या स्किल्ड आदमी लोग चाहिए, हम लोग वहाँ से उसकी पूर्ति कर सकें। हम लोग प्रॉपर रॉ मटेरियल का व्यवस्था करके रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सिस्टम का व्यवस्था करके रखते हैं। तो इसीलिए आजकल हर शहरों में, चूंकि हर सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका जोर रह रहा है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा रोजगार बने, उनको रोजगार मिले, साथ ही साथ आदमी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा हो, गरीबी मिटे, आदमी लोग ज़्यादा अमीर बने। तो इसीलिए आजकल हर बड़े शहरों में हम लोग क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण कर रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के डेवलप्ड होने के पीछे रीज़न है, वहाँ पे करीब उन्होंने हर शहरों में अपना इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है। बिहार में तो अभी इसकी शुरुआत ही हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा सरकार की तरफ से कदम लिया जा रहा है। तो चलिए फिर इसमें हम लोग देखते हैं, फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। हम लोग उद्योगों को कितने प्रकार में डिवाइड करते हैं, या किस किस तरह के उद्योग होते हैं। तो मैंने पहले डिस्कस किया है, जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा क्या है, सर्विसेज, जो सेवाएं हैं, है ना। तो सेवाओं को एक तरह का बिजनेस के अंतर्गत में डाला गया है। फिर दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ों का उत्पादन, जैसे मोबाइल फोन का उत्पादन, हम लोग जो घड़ियां पहन रहे हैं, घड़ियों का उत्पादन, हमारे कपड़ों का उत्पादन। तो जितनी भी चीज़ें हमारी आंखों के सामने दिखता है, तो कहीं ना कहीं तो उसका उत्पादन हो रहा है, तो वो एक तरह का एक्टिविटी हो गया। और सेवा और उत्पादन, हम लोग दोनों को तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, दोनों तो एक चीज़ नहीं है। और साथ इसमें साथ एक होता है ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस, मतलब कहीं से खरीद के लाना, कहीं पे बेचना उसको, और बीच में अपने प्रॉफिट को कमाना। ये क्या कर, जो ट्रेड वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से जो सामानों का उत्पादन करते हैं, ये उससे वस्तु को खरीद लेते हैं कम दामों पे, और रिटेल कंज्यूमर्स को, जो उपभोक्ता होते हैं, उसको वो बेच देते हैं। चूंकि जो मैन्युफैक्चरर है, हम लोग डायरेक्ट उससे थोड़े ही हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं। जो स्टील प्लांट में बनता है, हम लोग डायरेक्ट स्टील प्लांट से स्टील थोड़ी खरीदते हैं। या मारुति जो कंपनी है, वो अपने कारखानों में गाड़ियों को बनाती है, तो हम लोग डायरेक्ट मारुति कंपनी से हम लोग थोड़ी कार को खरीदते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डीलर से खरीदते हैं, जो शोरूम को खोल के रखते हैं, जो इनके रिटेल डीलर होते हैं, हम लोग उनसे खरीदते हैं। जैसे जो मोबाइल फ़ोन है, वो जैसे रेडमी का आप लोग यूज़ करते हैं या सैमसंग का यूज़ करते हैं, तो सैमसंग अपने प्लांट में बनाती है, चाइना में बनाती है, इंडिया में बनाती है, थाईलैंड में बनाती है, तो वहाँ पे क्या करता है, डीलर लोग या जो होलसेलर लोग होता है, वहाँ से कंपनी से खरीद लेता है। और बाद में हम रिटेलर लोग को क्या है, शोरूम वगैरह खोल के, या दुकानदार लोग उनसे फ़ोन खरीद के लाते हैं और हमें बेचते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या है, ट्रेडिंग है, ट्रेड के अंतर्गत में आता है। और जो सैमसंग क्या है, वो मैन्युफैक्चरर है, हम लोग सबके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो तीन पार्ट, पहला सेवा सर्विसेज, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन करते हैं, तीसरा ट्रेडिंग जो खरीद बेच का काम करते हैं, वो आता है ट्रेडिंग के अंतर्गत। सब्जी वाला दुकानदार, किराना वाला दुकानदार, या जो मनिहारी वाला जो दुकानदार है, वो सब के सब क्या है, ट्रेडिंग के अंतर्गत में आता है, वो ट्रेडर्स हैं। बट मिठाई जो दुकानदार होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर के अंतर्गत में आएगा, क्योंकि वो अपने यहाँ मिठाई बनाता है, मिठाई का निर्माण करके हमें बेच रहा है, है ना। तो बेसिक सा अंतर समझिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोग इस अंतर को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। फिर देखिए, चलिए हम लोग सर्विसेज को हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो सेवा है, ये जो सर्विस है, इसका डेफिनेशन क्या है।
मैं हम लोग तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए इसका हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। सच बिजनेस प्रोवाइड्स द सर्विस, ऐसी ये जो सर्विस क्या है, सर्विसेज एक तरह का बिजनेस है ना, एक तरह का उद्योग है, तो इस उद्योग में क्या किया जाता है, इसमें दिया जाता है प्रोवाइड्स द सर्विस, इसमें सेवा दिया जाता है ना, सेवा को प्रोवाइड किया जाता है, और अथवा प्रोडक्ट्स विथ नो फिजिकल फॉर्म। यहां पे क्या है, या तो सेवा दिया जाता है या फिर ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो आप लोग तो कंफ्यूजन में पड़ेंगे ना, ऐसा प्रोडक्ट क्या है जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली एडवाइस, इसको हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बोल सकते हैं जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो एक तरह के फिजिकल फॉर्म एक वास्तविक रूप में नहीं है। जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं ना सर मेरा तबीयत खराब हो गया है या मेरे सीने में बहुत दर्द है, तो यहाँ पे आप कोई दवाई बताइए, तो वो डॉक्टर क्या है अपना सलाह देता है, हमें मेडिसिन बताता है, अपना एडवाइस एक चिट्ठा पे है ना, एक पेपर पे लिख के देता है। तो ये एक तरह का सेवा हो गया ना, जिसका कोई रूप नहीं है। या हम पे अगर कोई केस हो गया या जमीन वगैरह प्रॉपर्टी का विवाद है, तो हम लोग वकील के पास जाते हैं कि सर इसका समाधान बताइए, ताकि हम लोग कोर्ट में केस को लड़के जीत पाए, इस समस्या का समाधान निकाल पाए। तो वहाँ पे वकील क्या है, हमें रास्ता बताता है, एडवाइस देता है, हमें गाइड करता है। तो इन सारी चीज़ों का तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है ना, कोई एक रूप नहीं है, कोई एक ठोस रूप नहीं है इनका, इसीलिए इनको क्या करते हैं हम सेवा के अंतर्गत में रखते हैं। तो इस बिजनेस में, इस सेवा के बिजनेस के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, या तो सर्विस देते हैं, या तो सेवा देते हैं, या फिर हम लोग क्या है प्रोडक्ट देते हैं, ऐसा प्रोडक्ट विथ नो फिजिकल फॉर्म, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म, जिसका कोई ठोस रूप नहीं होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एक्टिविटी, अदृश्य क्रियाकलाप। अदृश्य क्रियाकलाप इसलिए चूंकि हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको अपनी आंखों से। जैसे डॉक्टर को एडवाइस दिया, इलेक्ट्रीशियन आया, अगर कहीं बिजली में हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तो वो ठीक कर देगा, यहां पे तार खराब है, यहां पे स्विच खराब है, तो हमें वो नहीं दिखेगा, क्योंकि कहीं पे तार खराब है वो छिल के लगा दिया। डॉक्टर से एडवाइस ले लिए, वकील से, या जब हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो इंजीनियर का सेवा लेते हैं, इंजीनियर बैठ के हमें क्या एडवाइस दे दिया, यहां पे ऐसा करिए, यहां पे ऐसा करिए, यहां पे ऐसा करना चाहिए। तो ये एक तरह का ऐसा सेवा है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एक्टिविटी, मतलब ऐसा एक्टिविटी जिसका कोई ठोस फॉर्मेट नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, रूपरेखा नहीं है, जो अदृश्य होता है ना। तो अदृश्य क्रियाकलाप, अदृश्य एक्टिविटी, तो यही सारी चीज क्या है, सर्विसेज है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर्विसेज क्लियर हो गई होंगी। तो सर्विस के अंतर्गत, या सर्विस एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है या एक ऐसा औद्योगिक क्रियाकलाप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सेवा को देते हैं, अपने सर्विस को देते हैं, या फिर हम लोग ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, जिसका कोई ठोस रूप नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं कि हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग क्या है, अदृश्य क्रियाकलाप करते हैं, इनटेंजिबल एक्टिविटी को करते हैं। तो यही है अपना सर्विसेज। जैसे एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल डॉक्टर्स एडवाइस या डॉक्टर्स सर्विस को लिख देते हैं, डॉक्टर्स सर्विसेज। दूसरा लॉयर, लॉयर्स सर्विसेज। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, इंजीनियर का सर्विस, आर्किटेक्ट का सर्विस, है ना। तो ये सब थोड़ा स्पेशल क्वालिटी का सर्विस है जो हम लोग यहाँ पे अलग से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं, हम लोग इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग उसको अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।